हेलो गाइस, मैं हूँ किचन में और आज मैं आप लोगों को शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी बनाना बताऊँगी। बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी बनाना, लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले हम शिमला मिर्च लेंगे, इसको क्यूब्स में कट कर लेंगे। और यहाँ देखिए, मैंने अनियन भी कट कर लिए, गार्लिक भी, और मेरे पास यहाँ पर चार टमाटर, मैंने ये भी कट कर लिए। तो गाइस, मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और साथ में ही मैंने रख दिए कुछ मसाले। तो जब तक तेल गर्म होता है हम वेट करते हैं। इसमें हम डाल देते हैं जीरा। तो ये देखिए, जीरा मेरा चटक रहा है, जीरा हमारा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन भी हमारे फटाफट हो जाते हैं। अब साथ साथ हम इसमें अनियन डाल देंगे, प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे और प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो गाइस, चलिए जब तक हमारी प्याज भूनती है तब तक हम फटाफट टमाटर कट कर लेते हैं। तो लीजिए, टमाटर और हरी मिर्ची मैंने काट ली हैं और अब बारी आती है उसमें टमाटर डालने की। तो ये देखिए गाइस, प्याज भी मेरी हो चुकी है। अब मैं इसमें हरी मिर्च और टमाटर डाल देती हूँ। इन दोनों को भी हम अच्छे से पका लेंगे। प्याज टमाटर दोनों को मिक्स करने के बाद अब इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले डालते हैं हल्दी। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा। अब मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला है। अब मैंने डाला है इसमें नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें सूखा धनिया डाल देते हैं। धनिया डालने के बाद चलिए अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे 4-5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो चलिए गाइस, 4-5 मिनट हमारी हो चुकी हैं। हम इसको एक बार दोबारा से स्टर कर देते हैं और इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा हम इसको मैश कर देते हैं। तो अब बारी आती है इसमें शिमला मिर्ची डालने की। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे शिमला मिर्ची ऑलरेडी कट कर रखी थी, इसमें मैंने ये डाल दी है। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। सारे मसाले में अच्छे से शिमला मिर्च की कोटिंग हो जाएगी और फिर इसको हम ढक के दोबारा 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। सो ये देखिए गाइस, मैंने इनको पका लिया था और 3-4 मिनट हो चुकी है। अब बारी आती है इसमें पनीर डालने की। तो मैंने यहाँ पर पनीर भी क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है। तो अब इसमें पनीर डाल देते हैं और पनीर डालने के बाद हम फटाफट इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, पनीर मिक्स हो चुका है और वेजी हमारी मोस्टली रेडी है, बट हम इसको 2-3 मिनट फिर से एक बार पका लेते हैं। तो गाइस, पनीर ने भी अच्छे से मसालों की कोटिंग कर ली है। तो चलिए, ये थी मेरी एक छोटी सी रेसिपी शिमला मिर्च पनीर की। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना।